ने माता उमा रानी कंसल गो सेवा सदन में एक दर्जन के करीब गाय व बछड़े मर जाने को लेकर गांव वासी भड़के। गौशाला में मरी हुई गाय को नोच रहे थे कुत्ते। लोगों ने मौके पर बुलाया पुलिस को। पिंजौर नालागढ़ रोड गांव ग्रीड़ा में स्थित माता उमा रानी कंसल गौ सेवा सदन में एक दर्जन के करीब गाय व बछड़े मर जाने को लेकर गांव वासी भड़क उठे। गांव ग्रीड़ा के लोगों में हुसन चौधरी, भाग सिंह चौधरी, अमित गुज्जर, जगदीप सिंह, बलवीर सिंह, मंगा काला, मनीष, अमन, रोहित आदि ने इस घटना को लेकर अपना गहरा रोष व्यक्त किया है, जिसको लेकर उन्होंने स्थानीय थाना पुलिस में भी अपनी शिकायत दी है। लोगों ने गौशाला के संचालक पर कथित आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त गौशाला में गौओं का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है। यहां पर सिर्फ दो ही लोग काम करने के लिए रखे हुए हैं। इस गौशाला में मंजर ऐसा था कि देखने वालों का दिल दहल जाए। तड़प तड़प कर मरते हुए लोगों ने गौओं को देखा और जो गायें मरी हुई पड़ी थी उन्हें कुत्ते नोच रहे थे, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश था। लोगों ने कहा कि एक तरफ तो हम हिंदू धर्म की दुहाई देते हुए गौ माता की रक्षा करने की बात करते हैं और दूसरी ओर इस गौशाला में गायों की इतनी दयनीय हालत है कि देखने वाले का दिल पसीज उठे। उन्होंने बताया कि करीब 2-3 दिन पहले उक्त गौशाला के संचालक द्वारा यहां पर काफी मात्रा में रोटी भेजी गई, जो ऐसा लग रहा था कि किसी शादी ब्याह का बचा हुआ खाना हो, क्योंकि उसमें गोलगप्पे इत्यादि अन्य सामग्री भी थी। और लोगों का कहना है कि उस खाने को खाने की वजह से गौओं की यह हालत हुई है। लोगों ने कहा कि गौ सेवा करने के नाम पर गौ माता की ऐसी दुर्दशा किए जाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम गांव ग्रीड़ा वासी खुद को बहुत ही अभागा महसूस करते हैं कि गांव ग्रीड़ा की धरती पर यह पाप कमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि संचालक से यह गौशाला नहीं चलती है तो या तो इसे बंद कर दिया जाए, नहीं तो हम लोग गौ सेवा करने के लिए तैयार हैं और गौ माता की सेवा करने के लिए इनका पूरा सहयोग करेंगे, परंतु इस तरह की लापरवाही बरतना घोर निंदनीय है। गौरतलब है कि इस गौशाला में अभी 126 गायें हैं और करीब 2.5 साल पहले भी यहां पर कई गायें मर गई थीं। वहीं इस मौके पर लोगों ने पुलिस को भी बुलाया, जिसको लेकर स्थानीय थाना के SI मलकीत सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि उन्हें यहां पर इस गौशाला में गायों के मरने की शिकायत मिली है और गाँव वासियों की शिकायत पर संचालक के खिलाफ DDR काट दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पशु चिकित्सालय खेड़ावाली की डॉक्टर जसपिंदर कौर ने बताया कि प्राथमिक तौर पर लग रहा है कि गौओं की मृत्यु फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, बाकी मौत के असली कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। उक्त गौ सेवा सदन के संचालक के पुत्र सुनील कंसल ने बताया कि वह भी पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहते हैं और उन्हें गौ सेवा आयोग से फोन आया था कि स्थानीय गांव वालों के सहयोग से मिलकर यदि यह गौशाला आपसे चलाई जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी NGO या अन्य संस्था को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग का जो भी फैसला होगा वह उन्हें मान्य होगा। इस घटनाक्रम को लेकर गांव के युवा वर्ग व अन्य लोगों ने दुख और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि इस समस्या का कोई समाधान ना हुआ और संचालक के प्रति उचित कार्रवाई ना की गई तो वह धरना प्रदर्शन कर रोड जाम करने को लेकर चेतावनी दी है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हुसन चौधरी है जी। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? सर, आज ब्रदर का फोन आया थी, गाँव ग्रीड़ा की गौशाला है, यहाँ पे कम से कम 10-12 गाँव घूमे मरी पड़ी थी और कुत्ते खा रहे थे उनको। तो मैं रात 10 बजे यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ के हाल देखी, बहुत बुरा हाल था यहाँ पे कि गौओं के कुत्ते खा रहे हैं। 10-12 गौओं की मरी थी। हम 2-3 दिन पहले यहाँ घास डालने आए थे तो यहाँ पे कुछ शादी का बचा हुआ खाना, जैसे सब्जियाँ, रोटियाँ वगैरह, गोलगप्पे वगैरह, वो यहाँ पे हमारे मौजूदा, हमने हमारे उसकी वीडियो भी पड़ी है, वो पड़े थे। जो मालिक है यहाँ का, उसने भेजा था वो खाना। उस खाना खाने की वजह से, फारा आने की वजह से सारा गौओं की डेथ हो गई। उसके बाद मैंने वीडियो भी डाली थी तो अपने अमित गुज्जर जी के पड़ोस थे, वो हमारे पास रात 11 बजे पहुँचे ये हालत देख के। बाकी हाल तो वो बताएंगे आपको। तो आप क्या बताएंगे इसमें? सभी भाइयों को पहले तो मेरा राम राम। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अमित गुज्जर, गांव पुखवा सिंह। रात मेरे बड़े भाई भाग सिंह चौधरी जी और उनके साथ हुसन चौधरी गिरड़ा से
कि मुझे कॉल आई है। जैसे कि आप सबको पता ही, पहले ही मैंने चिट्ठे के खिलाफ नशे की जो मुहिम चलाई हुई है उसके अंतर्गत ये सभी भाई मेरा सहयोग दे रहे हैं। तो मुझे हुसन भाई का फ़ोन है कि ऐसे ऐसे गिरिडीह के अंदर कुछ गायें मरी हुई हैं, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँचे। तो उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, तो हमने जब गायों को देखा तो गायों 10 की 10 मर चुकी थी और कुछ गायों को तो कुत्ते भी खा रहे थे। जब हमने इसके बारे में यहाँ के संचालक जी से संपर्क किया तो संचालक जी ने हमें एक ही जवाब दिया है कि मैं अभी हरिद्वार में हूँ। तो हमने पूछा कि उससे यहाँ पे इनके लिए कोई व्यवस्था वगैरह की गई है, तो उन्होंने इसके लिए कोई जवाब नहीं दिया, हमारा फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद हमने 112 नंबर पर कॉल की, तो आधे घंटे करीब यहाँ पर 112 नंबर पुलिस पहुँच चुकी है। फिर उसके बाद हमने थाना पिंजौर से संपर्क किया, तो थाना से भी यहाँ पे पहुँचे, उनको हमने रिटर्न में एक FIR काटने के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं। और अभी जैसे कि सर यहाँ पे पहले भी हमारे भाई हुसैन चौधरी जी यहाँ पे चारा डालते हैं, और यहाँ पे 2 साल पहले जैसे कि इन भाइयों ने बताया है कि यहाँ पे 2 साल पहले भी गोबर के अंदर 10-12 गायें डाली गई थी, तो इन्होंने मशीन बुला के उसको यहाँ से निकाला गया था। उस टाइम भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई थी, पर किसी दबाव या प्रेशर के कारण वो हमारी एप्लीकेशन कामयाब ना हो चुकी। पर अब हमारा एक ही मुद्दा है कि यहाँ पे संचालक आए और इसका विषय बताए कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ है। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम अपनी एप्लीकेशन दे चुके हैं, तो प्लीज़ हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें, धन्यवाद। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? अगर कोई कार्रवाई नहीं होती इसके लिए तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम तैयार हैं धरना प्रदर्शन के लिए। हाँ जी, आप लोग मेन बंदा यहाँ का बोल सर, जैसे कि आपने भी संपर्क किया होगा, आपने भी संपर्क किया था फोन करके अभी कि सुनील जी हैं, वैसे वो यहाँ के संचालक हैं जो, तो आपको भी उन्होंने कुछ और ही जवाब दिया कि मुझसे गौशाला की सेवा नहीं होती। अगर गौशाला की सेवा ही नहीं होती तो खुली क्यों है, ट्रस्ट बना दिया है। अब हम अब भी बोल रहे हैं अगर उससे नहीं होती तो यहाँ के मना करते सर, और लोग हम सब भाई जो करेंगे हम वो मिलकर चलाएंगे। तो इसके मालिक कौन है? इसके मालिक का नाम क्या है? रवि कंसल है सर, चंडीगढ़ से हैं। संचालक है, और जब उनसे बात करते हैं वो बहुत बड़ी बात बोलता है, वो बोलता है मेरा कुछ नहीं तुम लोग कर सकते, तुमने जो करना है वो कर लो। और संचालक जी इसको ना प्रॉपर तरीके से चला नहीं पा रहा ना, यहाँ पे कोई मैनेजमेंट है, यहाँ पे लाइटें नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, और यहाँ के जो ये वर्कर हैं सिर्फ 2 वर्कर रहते हैं जी, यहाँ पे 2 वर्कर संभाल रहे हैं, और इनको भी जो सैलरी वगैरह इनको टाइम पे नहीं मिलती है, कहते हैं हमारे को ना मतलब टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है। हम एक बार सही तरीके से नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब जो इम्प्लाईज हैं कम है, 2-3 बंदे रखे हुए इन्होंने, और जो यहाँ की व्यवस्था है कभी कभी चक्कर, मतलब हफ्ते में मैं 2-3 चक्कर लगाता रहता हूँ, तो देख के थोड़ा बहुत इनको समझा के तरीके से थोड़ा सहयोग से हम अपने आप चला रहे हैं इस गौशाला को, जितने भी गाँव वाले ना जी, मतलब इसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो यहाँ का संचालक है ना वो मतलब अपना पल्ला झाड़ता है, अभी बात हुई थी उससे, उसने फोन काट दिया बीच में। बताइए, बलवीर सिंह गांव ग्रीडा से हूँ। जैसा है कि आपको बताया इन्होंने कि यहाँ पे जो भी दिक्कत आई है, परेशानी हुई है, यही दिक्कत आज से लगभग 2-2.5 साल पहले भी हुई थी, तो उस समय मैं भी आया था, तो यहाँ बहुत बुरा हाल था। वही स्थिति आज मुझे देखने में लग रही है जो मैंने उस टाइम देखी थी। उस टाइम तो उन्होंने कहा था हम ठीक चलाएँगे, बढ़िया चलाएँगे, मिल के चलेंगे, लेकिन आज जो आपने भी फ़ोन किया था उसमें उन्होंने बोला है कि मेरे से गौशाला नहीं चली। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा आज का जो मकसद है हिंदू धर्म के प्रति, अगर हम बात की सरकार भी बात कर रही है, हम भी उसका समर्थन करते हैं कि वाकई हिंदू धर्म बचेगा, गाय बचेगी तब हम बचेंगे, लेकिन यहाँ इसको देखने के बाद तो मुझे यूं लग रहा है कि सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो उनके ऊपर पहले कार्रवाई हुई और ना ही अब होगी, जो मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता अब कार्रवाई होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इस गौशाला में जो काम करने वाले हैं वो तो हैं, इनको देख रेख के लिए 2 ब्राह्मण रखे हुए, ब्राह्मण जो हमारे हिंदू धर्म के मार्गदर्शक हैं। मुझे इतना रोष है उनके ऊपर कि क्या हमारे मार्गदर्शक भी यहाँ पे पूजा करने के लिए बैठे हैं और नीचे गौ हत्या हो रही है, ये हत्याकांड करवा रहे हैं बैठ के, उनको यहाँ से ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए थी। और मैंने उनसे बात भी की है कि आप यहाँ पे आए हुए कैसे हो, क्या मैं हमारे तो ड्यूटी है, मैं आप सबसे पहले ये बताओ आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कहलाने का आपको हक है क्या? आप लोग भी बता सकते हैं जो बात सुन रहे हैं समझ रहे हैं, ये बताइए अगर एक ब्राह्मण यहाँ रह रहा है, 2 ब्राह्मण रह रहे हैं, उनकी आंखों के सामने इतना कुकृत हो रहा है, तो यह धरती खत्म नहीं होगी। जो आज कह रहे बीमारी फलानी आएगी टिकाणी आएगी, तो बीमारियां नहीं आएंगी तो क्या आएगा? जबकि गायों की बीमारी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैनेजमेंट की जो मैं बात करता हूँ,
अब कमी क्या होगी वो पता नहीं। अगर हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे बाड़े के अंदर आगे कुत्ते लाश को खा रहे हैं तो मैनेजमेंट कहाँ है, कैसी मैनेजमेंट है वो? ये भी नहीं कर सकते, इस गेट को भी बंद नहीं कर सकते। बाकी की तो बात चारे की, तो बाद में चारा यहाँ पे हमने देखा है, मेरे पास भी पशु हैं, आपको भी दिखाया गया कि सड़ा हुआ चारा पड़ा है। कोई भी आदमी आके यहाँ चैलेंज कर दे कि इस चारे को कोई गाय भैंस कुछ खा जाए तो मैं जो आप सजा कहोगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। इतना सड़ा हुआ चारा मेरे ख्याल 15-20 दिन का पड़ा हुआ है, जिसके अंदर बरसात का पड़ा हुआ है, उसके कीड़े लग गए हैं, उसके अंदर बदबू आ रही है, तो गऊँ मरेंगी नहीं तो कैसे क्या होगा यहाँ पे? हमारी धरती पे, ग्रीणा की धरती पे बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा पाप हो रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ प्रशासन से भी, जो जो इस बात को सुनेगा, कि प्लीज़ इस गौशालों को यहाँ से या तो बंद करवाया जाए या सही तरीके से चलाया जाए। हमारे ऊपर जो पाप है, हम भी इसके पाप के भागी समझ रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम ग्रीणा निवासी हैं। यहाँ पे दुर्घटना घट रही, पाप घट रहा है, हम नहीं देख पा रहे। ये हमारी भी ये शायद एक कमी है बहुत बड़ी, और आवाज़ हम उठा रहे हैं, उठाएंगे, आगे भी उठाएंगे। धन्यवाद। दीप सर, अच्छा क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ जी रोटियाँ बेची गई थी, हमने मना किया था भी रोटियाँ ना बेचो, तो रोटियाँ जबरदस्ती बेचती तो डाली रोटी खाने से ना, तो गौ के पेट में कह रहे डॉक्टर आए बुलाए भी फारा हो गया, तो फारे की वजह से गौ मरी। नहीं, गौ रोटी कहाँ से आई थी? रोटी बाबू ने बेची थी। कहाँ से? क्या नाम है उनका? रवि प्रकाश। और रोटी के साथ क्या था वो बताना, और सामान गोलगप्पे वगैरह सारा कुछ मिक्स है। जो भी बचा वो सामान था, मैंने खुद देखा सर। उन्हें मालिक के फोन। आपका क्या काम है यहाँ पे, क्या करते हो आप? मैं यहाँ मंदिर में था। अच्छा, क्या आपका क्या जॉब है यहाँ पे आपकी? मैं पुजारी हूँ। पुजारी हो? मालिक को इतला दी आपने उस टाइम? ये दिक्कत आ रही है। हाँ, मालिक को बोले। क्या बोले मालिक, क्या बोले? मालिक तो कुछ नहीं जवाब दिया जी, कह रहा अभी ठीक है और गऊ। मालिक फरार है जी, कहा मालिक कह रहे जी दूसरी गौशाला में तो जा रही है रोटी, वहाँ तो कोई गाय नहीं मिल रही। वो तो इसका मतलब सारी जगह कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? चेक कराओ जी, देखो गौशाला उसने टैक्स के चक्कर। अच्छा, आप क्या यहाँ पे? मैं इसके नीचे स्पाइस पर तो आपने मालक को बताया? ये बताया जी, पहले बहुत बार बताया, लाइट भी नहीं है जी, सब कुछ नहीं है इधर, लाइट भी नहीं है। हम बोल चुके हैं जी, सब कुछ है जी, क्या करे जी, 4000 में 3000 रुपए लाए थे जी, काम करे जी, दवाइयां दे। क्या नाम है आपका? गुणाल सिंह। क्या काम करते हैं यहाँ पे? चौकीदार है। चौकीदार हो? और गाँव में चारा आप डालते हो? नहीं, वाले बंदे। अच्छा, तो गाँव में कैसे मरी यहाँ पे? रोटियां आ गया जी, बाबू ने भेज दिया, पा दिया इन्होंने। अच्छा, तो कब की बात है ये? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। कितनी रोटी आई थी बाहर से? रोटियां का काफी बड़ा ढेर था, टेंपो का पूरा भरा। अच्छा, तो बाबू को बताया आपने फिर? बताया था जी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि और गौशाला में तो जा रही है, वहाँ तो मरती है। अच्छा, जी बाबू हम क्या देंगे, डालो आप। आपने कहा जो चारा दे रहे हैं बड़ा गंदा है? नहीं, बोला था जी कि रोटियां कबाड़ पे। नहीं नहीं, चारा भी डाल रहे हैं जो, वो भी बहुत गंदा है। चारा तो खैर ठीक ही आता है, ये तो कई दिन का होगा जी, इसलिए ये हो गया। बाकी तो कई दिन हो जाते हैं ना जी, काफी ज्यादा आ जाता है, तो 2-3 दिन में ये हो जाता है जी, थोड़ा बहुत खराब। इन्फॉर्मेशन मिली थी रात को, 10 गाय मर गई गौशाला की। अच्छा, तो देखा हमने की गौशाला की 10 गाय मरी है, और डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजन हो सकती है, जो खाया उस खाने के कारण फूड पॉइजन लगता है। तो आगे क्या, अब क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई करते हैं जी, मेडिकल में देख लेते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, ये सारी कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर लिख दिए हमने। ओके।